हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना हम ये दुर्गा पूजा मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पूरी की पूरी हिंदी में होने वाली है, सो वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ प्राइमर, जो की है शुगर का बेस ऑफ ग्लोरी प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन और कंसीलर लगाते हो ना, अगर प्राइमर बिना आप उसको लगा लोगे तो आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एक बहुत ही अमेजिंग सिलिकॉन बेस वाला प्राइमर है, जो ना आपको एक बहुत ही बढ़िया बेस प्रोवाइड करके दे देता है फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी फाउंडेशन, जिसके लिए मैंने ये शुगर का फाउंडेशन लिया है। मेरा जो इसमें शेड है ना, वो है 10 लाटे। ये एक बहुत ही फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है गाइज। मैंने इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, एंड देन पहले मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी और फिर बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। गाइज, महासप्तमी के दिन ना महापूजा की शुरुआत होती है। इस दिन देवी दुर्गा और दानव महिषासुरा के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी, और देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक दानव महिषासुर पर विजय के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। अतः बुराई पर भलाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। तो ना हम इसको फटाफट ऐसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये करने के बाद आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया कवरेज ये प्रोवाइड करके दे रहा है। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। भले ही फुल कवरेज फाउंडेशन है, फिर भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसको मैं अपनी नेक पर भी अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूंगी। एंड ये करने के बाद ना मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि कई बार ब्रश से ना थोड़े बहुत स्ट्रोक्स रह जाते हैं जो आपके बेस पर दिख रहे होते हैं। तो आपको एक बार ब्लेंडर लेके ना हल्का सा ऐसे डैब डैब कर देना चाहिए, ताकि ब्रश के जितने भी स्ट्रोक्स आपके फेस पर विजिबल है ना, वो सारे हट जाए। देन मैं यूज करेंगे शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, एंड इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी। मुझे कंसीलर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि शुगर का फाउंडेशन एक्चुअली में इतना ज्यादा फुल कवरेज है ना कि आपको कंसीलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये फेस पैलेट ले रही हूँ शुगर का। मेरा इसमें शेड है 02 विविड विक्ट्री। इसमें सबसे पहले मैं ये ब्रॉन्जर शेड लूंगी, एंड एक छोटे से एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर लूंगी। आप देख सको कितना ज्यादा पिगमेंटेड है ये, तो बहुत ही बढ़िया पाया है। आप इससे अपना आई मेकअप भी कर सकते हो, फेस मेकअप सब कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ब्रॉन्जर लगा रही हूँ, अपनी जॉ लाइन पे मैं इसको लगा लूंगी। देन मैं अपने फोरहेड पे भी इसको लगा लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फोरहेड बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप इसको लगा सकते हो। एंड फोरहेड पर लगाने के बाद मैं थोड़ा आईब्रोज के पास लगाऊंगी। इससे क्या होता है ना, आपका फेस थोड़ा सा लिफ्टेड अप लगता है। एंड ये करने के बाद मैं अपनी नोज पे थोड़ा सा लगा लूंगी, ताकि मेरी नोज थोड़ी सी पतली लगे। देन हम लगाएंगे इसमें से ये ब्लशर का शेड। मैं अच्छे से ना, सबसे पहले आपको ऐसे डस्ट ऑफ कर लेना चाहिए, तभी लगाना चाहिए। इसको मैं अपने एप्पल ऑफ द चीक्स और चीक प्लेन पर अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड आउट कर लूंगी। अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है, यू गाइस कैन टेक अ लुक। देन ना मैं इसको अपने चीक्स पर भी अप्लाई कर लूंगी, चिन पे, एंड थोड़ा सा अपनी नोज पे। इससे ना थोड़ा सा आपका मेकअप अच्छा और थोड़ा नेचुरल लगने लग जाता है। ये करने के बाद हम सेम पैलेट में से हाईलाइटर उठाएंगे, एंड एक फैन ब्रश की हेल्प से मैं हाईलाइटर धीरे धीरे लगाऊंगी। और आप देख सकते हो हाईलाइटर की पिगमेंटेशन कितनी ज्यादा अच्छी है। लाइक एकदम से ना ऐसे लगता है कि नेचुरल वाली लुक आ रही है, बिल्कुल भी फेक नहीं लगता, और ऐसे कोई चंकी पार्टिकल्स भी नहीं है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है। तो हम अपनी चिन पे, अपने लिप्स के ऊपर क्यूपिड बो पे, नोज पे, फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, ताकि हमारा फेस जो बेसिक हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वहां वहां पे। देन मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर की आर्च अराइवल ब्राउ पेंसिल। मेरा इसमें शेड है जेरी ब्राउन। इसकी एक साइड पे स्पूली मिलती है और एक साइड पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो मैं पहले स्पूली की हेल्प से अपनी ब्राउज को कॉम्ब कर देती हूँ, और फिर प्रोडक्ट्स को अपनी ब्राउज में फिल करती हूँ। सो क्योंकि गाइज एक्चुअली मेरे को ना स्टिचेस के मार्क्स हैं, मैंने ट्राई किया था कि मैं इसको फिल कर पाऊँ अच्छे से, बट फिर भी ना ये थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा था। लाइक मैंने इतना तो पूरा अच्छा ट्राई किया था, बट क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी हेयर नहीं है, तो अच्छे से जगह फिल नहीं हो पाती है। ठीक है, सो इस तरीके से मैं धीरे धीरे इसको फिल कर दूंगी। एंड आप चाहो तो कोई आप ब्राउ पाउडर भी ले सकते हो, या जो भी आप चाहो वो प्रोडक्ट पिक कर सकते हो, बट मुझे ये एक्चुअली ब्राउ पेंसिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, और ना ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। लाइक एक अच्छी कंसिस्टेंसी की ब्राउ पेंसिल है, जो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड वाटरप्रूफ भी है। देन इसके साइड पे जो स्पूली मिलती है ना, मैं वापस से उसको लेके अपनी ब्राउज को कॉम्ब कर दूंगी, ताकि एक बार वापस से जितना भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, और कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप देख सकते हो ब्राउज करती ना एकदम पूरी लुक चेंज हो जाती है। देन नेक्स्ट अप करेंगे आई मेकअप। मैं यहाँ पे ना ये शुगर का ड्यूअल आई शेडो यूज कर रही हूँ। हर प्रोडक्ट का जो लिंक है शेड्स के साथ में, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप
आपको लेना हो ना तो आप वहां से जाके ले सकते हो। सबसे पहले ना इसके एक साइड पे आपको मैट वाला यू नो लिक्विड आई शेडो मिल जाता है, मैं वो अपनी आधी आईलेट पर लगा के एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ये ना बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, लाइक बहुत ही ज्यादा, तो अगर आप एक बिगनर हो ना थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करना वरना आपका आई मेकअप खराब हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ा सा लगाने से भी बहुत ही ज्यादा वाली पिगमेंटेशन दे देता है, कि जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया पिगमेंटेशन दे रखी है। इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी अपनी क्रीज में भी। एंड इसी आई शेडो के दूसरे साइड पे ना आपको एक शिमर आई शेडो मिल जाता है ब्रश वाली फॉर्म में, तो अगर आप चाहो तो आप उसको लाइनर की तरह भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना, मैं अपनी पूरी आईलेट पे लगा लूंगी। मैंने पिंक वाला आई शेडो लोवर लैश लाइन पे भी लगाया है, आप देख रहे हो मैं कैसे आईलेट पे शिमर आई शेडो लगा रही हूँ, आप चाहो तो लाइनर की तरह भी लगा सकते हो। इसको मैं ऐसे कट क्रीज टाइप का हल्का सा ड्रॉ कर लूंगी, लाइक प्रॉपर कट क्रीज नहीं करूंगी, हल्का सा करूंगी क्योंकि हमें सॉफ्ट सॉफ्ट वाली लुक चाहिए। इसको इस तरीके से अप्लाई करके देन मैं क्या करूंगी, एक फ्लफी से ब्रश की हेल्प से ना इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। ये वाला भी जो शेडो है ना वो वाटरप्रूफ है एंड अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसे मूव नहीं होता है और हटता भी नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया आई शेडो है गाइज। अगर आपको फटाफट मेकअप करना है ना तो आपको ये जरूर लेना चाहिए, इससे आपका 5 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाता है। एंड आप देख सकते हो कि फाइनल लुक जो है ना इसको लगाने के बाद वो कितना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब एकदम शिमर शिमर वाली आई शेडो लगती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। देन मैं यहाँ पे लूंगी शुगर का आई टोल्ड यू सो आई लाइनर, मेरे को ये आई लाइनर बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसकी ना बहुत ही पतली टिप है, आप इससे पतले से पतला आई लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। मैं आज थोड़ा सा एक पतला सा विंग आई लाइनर ड्रॉ करूंगी क्योंकि हमें थोड़ी सी अपनी आईज को यू नो बोल्ड दिखाना है यहाँ पे, तो इसलिए मैं विंग ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप एक बिगनर हो ना आपको ये आईलाइनर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसका ब्रश जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जिसकी वजह से विंग्स क्रिएट करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। यू गाइस कैन टेक अ लुक कितना ज्यादा बढ़िया और कितना प्रिसाइज विंग यहाँ पे ड्रॉ हो पा रहा है। एंड देन अच्छे से इसको यू नो फिल इन कर लूंगी मैं विंग को अपनी यू नो इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई तक लेके आके। देन यहाँ पे मैं अपनी आई लैशेस को कर रही हूँ कर्ल एंड शुगर का ही मैं यहाँ पे एक मस्कारा यूज करूंगी। हर चीज का लिंक अगेन गाइस डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहां से ले सकते हो। ये मस्कारा एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपकी थोड़ी सी लैशेज में वॉल्यूम और लेंथ है ना तो ये आपकी लैशेज को एकदम फॉल्स आई लैशेज वाला इफेक्ट दे देता है। आप लोग देख सकते हो अभी सिर्फ लिटरली मैंने एक ही कोट लगाया है एंड अभी से ही लैशेज कितनी ज्यादा लॉन्ग और कितनी ज्यादा वॉल्यूमिनस लग रही है। सो मैं इसको अपनी लोअर लैशेज और अपर लैशेज दोनों पर अप्लाई कर लूंगी सो दैट मेरे को थोड़ी सी आई मेकअप बढ़िया हो जाए। एंड देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर की स्मज मी नॉट लिपस्टिक इन द शेड टैन फैन, इसको हम अपने पूरे लिप्स पर अप्लाई कर लेंगे एंड वी आर डन। हेयर इज द फाइनल लुक गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।